हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लंबर पंक्चर यानी स्पाइनल टैप के बारे में। तो ये सभी जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। कैसे प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है, नीडल इंसर्शन कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, पोजीशन कौन सी देते हैं, साइट असेसमेंट कैसे किया जाता है, L3 L4 का क्या क्या यूजेज होते हैं लंबर पंक्चर के, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके अलावा CSF का अमाउंट जो होता है कितना कलेक्ट किया जाता है, और दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे होगी, और CSF के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है, लंबर पंक्चर टेक्निक क्या होती है। तो लंबर पंक्चर एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग नीडल को इंसर्ट करते हैं स्पाइनल कैविटी के अंदर, ठीक है, थ्रू द बैक साइड। लंबर एरिया के अंदर हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, इसलिए इसको लंबर बोला जाता है, लंबर पंक्चर। नीडल इंसर्ट करी जाती है कौन सी कैविटी में, स्पाइनल कैविटी में डाली जाती है, और डाल करके क्या कलेक्ट क्या पर्पज होता है इसका, या तो CSF को कलेक्ट किया जाता है फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, जैसे कि कुछ डिजीज होती है मेनिंजाइटिस वगैरह उनको डायग्नोस करने के लिए, इसके अलावा कुछ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, इसके अलावा कोई भी मेडिसिन देने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं उस केसेस में भी लंबर पंक्चर को यूज किया जा सकता है। दूसरा बात करें हम लोग नीडल इंसर्शन कैसे किया जाता है, किस साइट पे किया जाता है, तो नीडल जो है यहाँ पर दो टाइप के नीडल यूज होती थी। एक तो पहले ट्रोमेटिक नीडल यूज होती थी जो कि काफी मोटी होती थी, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में एट्रोमेटिक नीडल यूज करी जाती है जिसका साइज होता है 25 गोज, यानी काफी पतली फाइन नीडल यूज करी जाती है। इसमें इंजरी के और साइड इफेक्ट यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस, उसके चांसेस भी कम रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर इंसर्ट करी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, कहाँ पर, एडल्ट्स के अंदर बिटवीन L3 यानी लंबर वर्टिब्रा 3 और लंबर वर्टिब्रा 4 के बीच में इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। लेकिन अगर बच्चों में पूछा जाए तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है L4 एंड L5। एक्चुअली क्या होता है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट होता है कॉनस मेडुलरिस, ठीक है, इसके बाद में नर्व्स आगे रहती है, तो कॉनस मेडुलरिस जो होती है L1 लेवल तक ही प्रेजेंट होती है, इसलिए L1 से नीचे ही जो है इंसर्ट किया जाता है। लेकिन बच्चों में ये जनरली L2 तक जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए बच्चों में एक स्टेप नेक्स्ट होता है L4 एंड L5 के बीच में इसको इंसर्ट किया जाता है। तो ये होता है नीडल इंसर्शन का साइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन सी पोजिशन देते हैं, कौन सी पोजिशन देंगे इस पेशेंट को वाइल परफॉर्मिंग लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर परफॉर्म करते टाइम पे पर्सन को फीटल पोजिशन या उसे सी शेप पोजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो फीटल पोजिशन, जैसा कि बच्चा जो होता है, फीटस जो होता है, जिस पोजिशन में होता है उस तरीके से घुटनों को मोड़ करके जैसे रहता है, उस पोजिशन को हम लोग बोलते हैं फीटल पोजिशन। प्राइमरी चॉइस होती है, सेकेंडरी से सिटिंग पोजिशन के अंदर भी परफॉर्म किया जा सकता है, हेड को आगे की तरफ में लीन करके, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशन की बात। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है साइट असेसमेंट कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एम्स के अंदर, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो साइट असेसमेंट यानी मैंने बताया कि जो नीडल इंसर्ट करते हैं L3 L4 या बच्चों में L4 L5 उसको कैसे असेस करें, कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। ये जो है अपनी पेल्विक बोन हो गई, पेल्विक बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमें अच्छे से पता है, इसे हम लोग बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट। तीन बोन का फ्यूजन होता है, इलियम, इसियम और प्यूबिस का, ठीक है। तो इलियम का जो है इलियक क्रेस्ट होता है, तो दोनों को हम लोग पालपेट करेंगे अपनी कमर से, जो है पालपेट करते हुए पेशेंट की कमर से जो है पालपेट करते हुए इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, तो जो सेंटर पॉइंट होगा वो बिटवीन L3 एंड L4 होगा, और इस लाइन को हम लोग इंटर क्रेस्टल लाइन बोलते हैं। क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, इलियक क्रेस्ट के दोनों के बीच में है इसलिए इंटर क्रेस्टल लाइन इसे हम लोग बोल देते हैं। इसके दो और नाम है, जेस्को भी लाइन भी बोला जाता है और टफियर लाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस लाइन से हम लोग क्या असेस करते हैं, L3 एंड L4। तो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में जिसमें ऐसा इमेज दिखाया गया था और उसमें ये लाइन शो करी गई थी, पूछा गया था इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियक इंटर क्रेस्टल लाइन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइट का असेसमेंट, साइट का असेसमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग, जो ये एरिया होता है इसको कैसे क्लीन किया जाए, तो सर्कुलर मोशन में इनर से आउटर की तरफ जो है इसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने का जो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, या तो प्रोविडिन आयोडीन यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक, या फिर टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक
यूज करा जाता है, इससे हम लोग इसको क्लीन एरिया को वॉश आउट करके क्लीन आउट किया जाता है। तो ये होता है क्लीनिंग प्रोसीजर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके यूजेज एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कब इसको यूज किया जाता है और कब यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेज यानी इंडिकेशन के बारे में कि कब यूज किया जाता है स्पाइनल टैप या फिर लंबर पंक्चर को। तो सबसे पहला डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे अगर CNS से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो, CSF, क्योंकि CSF कलेक्ट करते हैं इसके अंदर हम लोग, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड कलेक्ट करते हैं, तो वो CSF में अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होगा तो CSF से उसका पता लगाया जा सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, उन केसेस में इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुलियन-बार सिंड्रोम, GBS जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो CNS का डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर होता है, और GBS जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व का डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर होता है, उसका पता लगाने के लिए इसको किया जा सकता है परफॉर्म। तीसरा सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर अगर हेमरेज हो रहा है तो उस हेमरेज को फाइंड आउट करने के लिए भी लंबर पंक्चर परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये कुछ यूजेज होगी डायग्नोस्टिक पर्पस। दूसरा यूज होता है टू गिव मेडिसिन और टू इंसर्ट मेडिसिन, मेडिसिन डायरेक्ट स्पाइनल कैविटी में डाल करके यूज किया जा सकता है, जैसे एनेस्थीसिया जैसे सी सेक्शन करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे इसको यूज किया जा सकता है। कोई स्टीरोइड मेडिसिन देना है डायरेक्ट स्पाइनल कोड के अंदर, या फिर किसी तरीके का एनाल्जेसिक यूज करना है तो इनको डायरेक्ट जो है दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टू मेजर CSF प्रेशर, CSF के प्रेशर को मेजर करने के लिए डायरेक्ट सिंपल मैनोमीटर लगा करके जो स्पाइनल नीडल होती है, लंबर पंक्चर नीडल होती है, उससे डायरेक्ट मैनोमीटर को कनेक्ट करके जो है CSF प्रेशर को फाइंड आउट किया जा सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेट नॉर्मली 8 से 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। इसको mm ऑफ Hg में बदलना है तो 1.35 से डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यू को, तो आपके पास mm ऑफ Hg में जो कि अराउंड 6-14 के समथिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब यूज नहीं करना चाहिए लंबर पंक्चर को, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अगर पर्सन को सीवियर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस टाइम पे इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 7-15 mm ऑफ Hg होता है, बट ज्यादा बढ़ा हुआ है 20-25 के अराउंड या उससे ऊपर बढ़ा हुआ है तो उस केस में इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज किया गया लंबर पंक्चर को, लंबर पंक्चर किया गया, परफॉर्म किया गया, तो पर्सन में ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकता है, यानी ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, प्रॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कैविटी में हर्निएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेशर रहेगा ब्रेन के अंदर क्रैनियल कैविटी में। तो अगर लंबर पंक्चर करेंगे तो प्रेशर रिलीव करने के लिए ब्रेन के जो ऑर्गन्स है वो स्पाइनल कैविटी में हर्निएट हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, नहीं करते। दूसरा ओल्ड एज, अगर 60 या 65 ईयर से ज्यादा का एज का पर्सन हो उसमें भी इसको यूज नहीं करते हैं। पेशेंट विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो तो उसमें भी यूज नहीं करते हैं, जैसे कि ALOC का पता लगाते हैं हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल से, ठीक है। तो ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाते हैं, अगर किसी पर्सन का GCS स्कोर कम आ रहा है तो उस केस में इसको यूज नहीं करते हैं। और GCS स्कोर पे मैंने डिटेल से ट्रिक के थ्रू ये पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, किसी पर्सन को कोएगुलोपैथीज हो तब इसको यूज नहीं करते हैं, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जैसे प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए या फिर हीमोफीलिया हो, तो उस केस में जो लंबर पंक्चर किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, तो वो क्या होगा, वहां पर ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कोएगुलोपैथी के पेशेंट में भी यूज नहीं करते हैं। अगला, अगर किसी पेशेंट को रिसेंट हिस्ट्री हो सीजर्स की, एपिलेप्सी की, मिर्गी की, अगर रिसेंट हिस्ट्री हो तो उसमें भी इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मिर्गी के केस, मिर्गी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, सीजर्स को डिटेल से वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं लंबर पंक्चर के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लंबर पंक्चर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यू कह सकते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका इन्फेक्शन, यानी साइड के ऊपर जब लंबर पंक्चर नीडल को इंसर्ट किया जाएगा तो उस साइड के थ्रू जो है इन्फेक्शन हो सकता है स्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो ये मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि पोस्ट स्पाइनल पंक्चर हेडेक विथ नोजिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया नीडल जो होती है दो टाइप की होती है, एक तो ट्रॉमेटिक और एक एट्रोमेटिक। तो जो ट्रॉमेटिक है वो मोटी लार्ज बोर होती है, ग्रे कलर की जो होती है नीडल, और एक जो फाइन नीडल आती है उसे एट्रोमेटिक नीडल बोला जाता है।
तो अगर फाइन नीडल यूज करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रॉमेटिक नीडल का यूज किया जाता तो क्या कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली पर्सन में हो सकता है, दैट इज पोस्ट स्पाइनल पंक्चर हेडेक एंड नोजिया उस पर्सन को हो सकता है अगर लार्ज बोर नीडल यूज किया जाए तो। ठीक है, इसकी कंडीशन होगी लार्ज बोर नीडल यूज किया जाए तो ही ये जो है कॉम्प्लिकेशन होगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, एट्रोमेटिक नीडल का यूज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा कॉम्प्लिकेशन है कि हेमरेज हो सकता है, अगर किसी पर्सन को कोएगुलोपैथी हो यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो उस पर्सन में ये हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकता है, अगर किसी पर्सन का आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसमें अगर इसको परफॉर्म कर दिया तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेन स्टेम हर्निएशन। तो ये तीन चार कॉम्प्लिकेशन है जिसमें से एक दो क्वेश्चन जो है बनते हैं, यहाँ से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कितना अमाउंट कलेक्ट किया जाता है लंबर पंक्चर में, तो सबसे पहले जो निडिल है इंसर्ट करी जाती है, निडिल इंसर्ट करने के बाद में उसको सब एरेक्नोइड स्पेस तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस जैसे ड्यूरामेटर होती है, ड्यूरामेटर फिर एरेक्नोइड मेटर फिर पायामेटर होती है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस में ही सीएसएफ प्रेजेंट होता है, तो वहां तक पहुंचाया जाता है निडिल को, जिससे पहले दो टक आवाज आती है। दो टक आवाज आने का मतलब होता है कि निडिल जो है सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंच गई, वहां से फिर जो फ्लूड आना स्टार्ट होता है। तो 2 से 3 ml फ्लूड यानी कि एक ट्यूब के अंदर कम से कम 10 ड्रॉप जो है सीएसएफ फ्लूड की जो है कलेक्ट करी जाती है, और कई बार अलग अलग पर्पज के लिए 4 ट्यूब अगर यूज कर रहे हैं तो चारों ट्यूब में 10-10 ml जो है 10-10 ड्रॉप जो है सॉरी उसको कलेक्ट किया जाता है। टोटल जो है 4 ट्यूब के लिए 2 से 3 ml जो है कलेक्ट किया जाता है सीएसएफ फ्लूड। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब कलेक्शन से रिलेटेड 2 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर फ्लो इज टू स्लो, निडिल इंसर्ट करने के बाद में सीएसएफ का फ्लो नहीं आ रहा है, 10 ड्रॉप आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए फिर क्या करोगे, क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, तो पेशेंट को क्या बोलना है, हमें पेशेंट को बोलना है कफिंग करने के लिए। ठीक है, पर्सन जब खांसेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से फ्लो इंक्रीज हो सकता है, फिर भी अगर फ्लो नहीं बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो पर्सन को क्या बोलना है, बियरिंग डाउन एफर्ट लाइक वल्सलवा मैनुअर। ठीक है, वल्सलवा मैनुअर के जैसा बियरिंग डाउन एफर्ट पर्सन को लगाना है। वल्सलवा मैनुअर क्या होता है, इसे कार्डियक मैनुअर भी बोला जाता है, और ये ईयर को क्लीन करने के लिए और कार्डियक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, पर्सन को माउथ और नोज को पिंच करके यानी क्लोज माउथ और नोज के अगेंस्ट जो है फोर्सफुल प्रेशर लगाना है। तो ऐसा करेगा तो पर्सन बियरिंग डाउन इफेक्ट वहां पर प्रोड्यूस होगा, तो बियरिंग डाउन इफेक्ट पर्सन लगाएगा तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। आप लोग भी इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं, नोज को पिंच करना है, माउथ को क्लोज करना है, और फिर अगेंस्ट जो है सांस छोड़ने के लिए ब्रीथ आउट करने के लिए आपको प्रेशर डालना है। तो ऐसा डालेंगे तो अपने एब्डोमिनल एरिया पे प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसे हम लोग बियरिंग डाउन इफेक्ट बोलते हैं, और यही होता है वल्सलवा मैनुअर। मैंने मैनुअर्स पे डिटेल वीडियो बना रखा है, 8-10 तरीके के मैनुअर्स है, उसमें मैंने डिटेल से समझाया, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो निडिल को पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब निडिल को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जनरली जो लंबर पंक्चर निडिल होती है उसमें एक स्टाइल कैनोला होता है, उसके अंदर एक स्टाइलेट होता है। ठीक है, मेटल का स्टाइलेट होता है, तो जब कैनोला डाला जाता है तो उसके बाद में स्टाइलेट को निकाल लिया जाता है, उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है फ्लूड बाहर आता है। तो जब वापस निडिल निकालनी है तो उसको डायरेक्ट नहीं निकालना है, उसमें वापस से स्टाइलेट को इंसर्ट करना है, बंद करना है उसको, फिर उसके बाद में उसको बाहर की तरफ खींचा जाता है। ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर स्पाइनल ट्रैक्ट जो है एस्पायरेट हो सकता है थ्रू द निडिल, निडिल के थ्रू जो है स्पाइनल ट्रैक्ट जो है एस्पायरेट हो सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टाइलेट को वापस डालेंगे, फिर उसके बाद में उसको निकालेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि इंसर्ट करते टाइम पे जो है क्या परफॉर्म करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले तो एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए, जैसे कि अपन बात करें प्रोविडिन आयोडीन या फिर टिंचर आयोडीन से क्लीन किया जा सकता है। क्लीन करने के बाद में वहां पर जो है साइट असेसमेंट किया जाता है L3-L4 के बीच में, जो कि इंटरक्रिस्टल लाइन से हम लोग करते हैं। उसके बाद में निडिल को जो है इंसर्ट किया जाता है और स्लोली इंसर्ट करते हैं, और वहां पर 2 फुट की आवाज आती है। 2 फुट की आवाज आने का मतलब होता है सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर निडिल पहुंच चुकी है। उसके बाद में जो फ्लूड को देखा जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है, अगर मेडिसिन देना है तो मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है। तो ये निडिल इंसर्ट करते टाइम पे हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीएसएफ जो था, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं सीएसएफ के। तो सीएसएफ क्या होता है, एक क्लियर कलरलेस फ्लूड होता है जिसका नॉर्मल अमाउंट जो है 80 से लेकर के 160 ml होता है पूरे स्पाइनल ट्रैक्ट और ब्रेन के अंदर।
नॉर्मली इतना CSF जो है प्रेजेंट होता है। ये जो CSF एवरेज की बात करें तो 120 ml CSF जो है प्रेजेंट होता है। बनता कहाँ पे है, वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उन वेंट्रिकल्स के कोरोइड प्लेक्सस होते हैं उनके अंदर जो है ये फॉर्मेशन होता है CSF का। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, एरेक्नोइड विलस यानी सब एरेक्नोइड स्पेस में एरेक्नोइड विलाइज होते हैं, वो कैपिलरी नेटवर्क होता है उस नेटवर्क के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, RBC और WBC इनके अंदर प्रेजेंट होती है लेस देन 0.5 mm/mm³ होते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट मिले CSF के अंदर RBC WBC मिल रहा है, RBC मिल रहा है इसका मतलब हेमरेज है, और WBC मिल रहा है इसका मतलब वहां पर कोई इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। चौथा करेक्टर है कि प्रोटीन्स जो होती है CSF के अंदर वो नॉर्मली 20 से 40 mg/dL, ये क्वेश्चन पॉइंट है याद रखना, कितनी होती है 20 से 40 mg/dL, लेकिन इनका लेवल अगर इंक्रीज्ड मिलता है, बढ़ा हुआ लेवल मिलता है तो वहां पर ये न्यूरो डीजनरेशन को इंडिकेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको इंडिकेट करेगा, न्यूरो डीजनरेशन। न्यूरो डीजनरेशन मतलब न्यूरॉन्स का डैमेज, चाहे से वो अल्जाइमर डिजीज हो, पार्किंसन डिजीज हो, चाहे डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर हो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, गुलेन बार सिंड्रोम हो, इस तरीके के डिसऑर्डर्स को वो इंडिकेट करेगा। इसके अलावा ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है ये भी क्वेश्चन पॉइंट है, वो होता है 40 से 80 mg/dL, जो कि ब्लड से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है, ब्लड में 70 से 110 होता है, यहाँ पर 40 से 80 mg/dL यानी 100 ml ब्लड में इतना, सॉरी 100 ml CSF में इतना जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। लेकिन ये लेवल अगर घटा हुआ मिलता है, डिक्रीज मिलता है ग्लूकोज का लेवल, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर प्रेजेंट है, आइदर वो मेनिनजाइटिस हो सकता है या एनसेफेलाइटिस हो सकता है। तो ये CSF के कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि लंबर पंक्चर के थ्रू CSF को कलेक्ट किया जाता है, इसके थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है असेसमेंट करने वाली, इस लाइन को हम लोग इंटरक्रेस्टल लाइन बोलते हैं। अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कि इस लाइन के दो अदर नेम मैंने बताए थे वो नेम्स क्या है। अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।